नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा में चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां जो है उनकी जो गतिविधियां है वो तेज होती जा रही हैं। हर पार्टी कोशिश कर रही है कि वो जीत की ओर बढ़े। आइए जानते हैं हरियाणा की जो चुनाव है वो किस रुख बैठते हैं। बात करते हैं हरियाणा के दिग्गज पत्रकार बलवंत तक्षक जी से और जानते हैं हरियाणा के चुनाव में इस बार किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। बलवंत तक्षक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया राजेंद्र जी, शुक्रिया। तक्षक जी, आज मोदी साहब की रैली थी, चौथी और आखिरी रैली जी, क्या असर दिखा रही है इनकी रैली, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं भाजपा के और देश के प्रधानमंत्री हैं, किस तरह का असर नजर आ रहा है भाजपा के लिए, कितना फायदेमंद हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो रैली थी जी फरीदाबाद जी एरिया में जी, उससे पहले उन्होंने एक रैली सबसे पहले कुरुक्षेत्र में की जी, फिर वो गोहाना गए जी, फिर हिसार गए और ये उनके जो तय कार्यक्रम था उसमें आखिरी रैली है जी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि हरियाणा के चारों कोनों को जी छू लें, कवर कर लें पूरे, और मतदाताओं को अपनी पार्टी की नीतियां कार्यक्रमों की जानकारी देके भाजपा की तरफ उनको खींचने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की इन रैलियों के बावजूद भाजपा की जो हवा बननी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ मतदाताओं की उदासीनता की वजह से वो बात नहीं हो पाई जो मोदी साहब की 2014 और 2019 के रैलियों में भीड़ उमड़ती थी जी, वैसी इस बार स्थिति देखने को नहीं मिली। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का पलड़ा पहले भारी था, चुनाव से पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि 10 साल के एंटी इनकंबेंसी की वजह से भाजपा को इस बार खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लग भी ऐसा है रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार रैलियां की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने रैलियां की, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैलियां की, हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने रैलियां की और जगत प्रकाश नड्डा साहब ने रैलियां की जी। मतलब भाजपा की जो बड़ी टीम है वो सारे लोग हरियाणा में आए और हम ये मानते हैं कि केंद्र का नेतृत्व रुख बदलने में सक्षम है जी, और रुख बदल पाए कि नहीं बदल पाई है तो असल बात तो 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा, पता चलेगी। लेकिन लगता यही है कि लोगों का जो मन था वो वही स्थिर है, झुकाव बन नहीं पाया भाजपा की तरफ प्रधानमंत्री जी की रैलियों के बावजूद जी। अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो भी रोड शो कर रहे हैं, दो रोड शो हो चुके हैं, दो उनके और अभी चलेंगे बाकी हैं, तो उनका असर कैसा रहेगा? देखिए, अगर किसी पार्टी के पक्ष में हवा, राजेंद्र जी जी, तो केंद्रीय नेतृत्व जो आता है तो वो हवा को थोड़ा सा और बल मिलता है जी। और राहुल गांधी ने अपने रोड शो के लिए सबसे पहले चुना उत्तर हरियाणा को, जो जीटी रोड बेल्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव माना जाता रहा है जी। दूसरा, भाजपा का प्रभाव दक्षिण हरियाणा माना जाता है, तो शुरुआत उन्होंने उस क्षेत्र से की, नारायणगढ़ से, जहां से पहली बार नायब सिंह सैनी साहब विधायक चुने गए थे और विधायक बनने के बाद आपको पता है वो खट्टर सरकार में श्रम राज्य मंत्री थे जी, फिर वो MP बने, फिर वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर करनाल विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, उपचुनाव जीते और अब वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो राहुल गांधी की का रोड शो की खासियत मान लीजिए या रणनीति मान लीजिए कि उन्होंने शुरुआत उस क्षेत्र से की जहां पहली बार नायब सैनी विधायक बने, और अब उस यात्रा की शुरुआत खत्म जो उस पहले दिन की यात्रा खत्म हुई वो उस क्षेत्र में हुई, पिपली में, जो लाडवा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है जी। तो आखिरी उनकी जो रैली थी या अंतिम पड़ाव था यात्रा का पहले दिन का, वो भी नायब सिंह सैनी के इलाके में ही था, लाडवा में। शुरुआत भी वहीं से थी, पुराने क्षेत्र से। और तो राहुल गांधी को मैं शाहबाद में था उस दिन जी, जब उनकी वो संकल्प यात्रा रोड शो निकल रहा था, तो सड़क के दोनों तरफ काफी भीड़ थी, लोग उनको देखने के लिए उत्साहित थे और मुझे लगता था कि शाहबाद में उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल गांधी कुछ देर के लिए जो भीड़ है उसको संबोधित करेंगे, लेकिन उन्होंने झलक दिखाई, माल्यार्पण किया, प्रियंका गांधी ने माल्यार्पण किया उधम सिंह की प्रतिमा पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने माल्यार्पण किया और उसके बाद वो हाथ हिलाके और गाड़ी में बैठ के निकल गए। मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी अगर 2 घंटे से खड़ा हो, अगर पार्टी के पक्ष में हवा ना हो और एक झलक देखने के लिए 2-2 घंटे तक झंडे हाथ में लेके खड़े हों, जिंदाबाद के नारे लगते हों, तो इससे पार्टी के पक्ष में हवा होने का एक संकेत मिलता है। तो 4 दिन तक, जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं होगा, तब तक वो हरियाणा में दौरा करेंगे और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मोदी साहब ने रैलियों के जरिए हरियाणा के पूरे उम्मीदवारों को स्टेज पर 4 बार में इकट्ठा किया है, इसी तरह राहुल गांधी भी मैं सोचता हूँ हरियाणा के सभी जिलों की सीमाओं को कहीं बीच में से, कहीं किनारे से छूते हुए निकलेंगे और उनकी भी कोशिश ये है कि 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है,
इस बार उन्हें लगता है कांग्रेस सरकार बन सकती है तो वो अपनी और ताकत लगा रहे हैं उसके लिए। अभी आज एक प्रकरण हुआ एक कि विक्रम यादव जो पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने भाजपा छोड़ दी है, तो क्या लगता है क्या फैसला लेंगे? देखिए, भाजपा छोड़ी है तो जाहिर है कि उनको लगता होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना नहीं है जी। वो इस बात से भी नाराज थे कि उनको दो बार टिकट से वंचित रखा गया जी। विक्रम यादव उर्फ विक्रम ठेकेदार वो 2014 में पहली बार विधायक बने जी, कोसली से बने, दक्षिण हरियाणा में राविंदरजीत सिंह का प्रभाव है, वो उनके खेमे में नहीं थे। मंत्री बनने के बाद विस्तार जब किया खट्टर साहब ने, उनको निपुण ना मानते हुए अपने कार्य में मंत्रिमंडल से हटा दिया। फिर 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली। हाँ, बिल्कुल, वो शांत होके बैठ गए। लक्ष्मण यादव वहां से विधायक बन गए। इस बार लक्ष्मण यादव को राविंदरजीत सिंह ने बजाय कोसली के रेवाड़ी से टिकट दिलाई है जी। ताकि वो कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री, 6 बार विधायक रहे, उनका बेटा मौजूदा मंत्री चिरंजीव राव और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं वो। तो राव इंद्रजीत सिंह की रणनीति ये थी कि लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी से लड़ा के और चिरंजीव राव को विधानसभा में पहुंचने से रोका जाए। इधर उन्होंने अपने एक और समर्थक अनिल डहीना को टिकट दिलाई है। विक्रम यादव इस बात से नाराज थे कि मुझे 2019 में टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, 2024 में मेरा दावा बनता था अगर विधायक को यहाँ से शिफ्ट करते हो तो वो नाराज हुए। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, भाजपा छोड़ने का फैसला किया। और जो मेरी जानकारी में, कल रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोसली जाएंगे, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश यादव हैं, और उन्होंने पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा 6-7 हजार वोटों से हारे थे और कोसली एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसमें 75 हजार वोटों से दीपेंद्र हुड्डा पिछड़ गए थे भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले, डॉक्टर अरविंद शर्मा के मुकाबले जी जी। तो जगदीश यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा से वादा किया था कि 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसमें हम आपको कोसली क्षेत्र से विजयी बनाकर भेजेंगे। और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 75 हजार की लीड भी पूरी की और 2 वोट से उनको कोसली से बढ़त भी दिलाई, बढ़त भी दिलाई, और उनको अब टिकट मिल गया है। एक बार वो बंसीलाल जी की सरकार में मंत्री होते थे जी। अगर वो इस बार जीतते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस की सरकार बनने पर जगदीश यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, किया जाएगा। विक्रम यादव हालात को समझ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कोसली जाएंगे तो उसमें विक्रम यादव साहब को कांग्रेस में वो शामिल करवाए। इस तरह के प्रकरण जब बिल्कुल चुनाव का समय इतना नजदीक होता है तो जो मतदाता है उस पर कैसा असर पड़ता है? इस तरह से जब कोई लीडर एकदम से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो मतदाता है जो, उन पर कैसा असर पड़ता है? देखिए, पिछले कुछ समय से करीब 40 के आसपास विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों से कांग्रेस में जा चुके हैं जी। तो ये एक संकेत है कि कांग्रेस की हवा बन रही है जी। अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है इसका मतलब उसके मन में यह है कि पार्टी, और बिल्कुल ऐसे टाइम पे जब चुनाव में 3 दिन या 4 दिन का सिलसिला जब से टिकटों की घोषणा हुई है और बढ़ा है जी। और विक्रम यादव तो मतदान से 4 दिन पहले कांग्रेस में जा रहे हैं, तो आप देखिए जो मौसम विज्ञानी होते हैं वो हवा का रुख भांप लेते हैं। तो विक्रम यादव के साथ भाजपा ने 2 बार टिकट ना देके जाती की और उनको लगता है जब सरकार नहीं बन रही, कांग्रेस सरकार आ रही है तो मेरा चुनाव के दौरान जगदीश यादव को अगर समर्थन मिलता है और उनकी जीत में कुछ इजाफा होता है तो पार्टी में उनकी वैल्यू बनी रहेगी, 5 साल उनकी पुश होती रहेगी। तो इसी मकसद से उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। बिल्कुल ठीक है। अभी एक और प्रकरण हुआ, समालखा से जो विधायक हैं धर्म सिंह छोकर हैं, धर्म सिंह छोकर, उनकी जो परेशानी है वो बढ़ गई है। उनको कोर्ट ने कहा कि आप सरेंडर करें, ईडी को कहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो क्या रहेगा, वो गिरफ्तारी देंगे या वो सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे? ये मामला तो राजेंद्र जी नया नहीं है जी। वो दूसरी बार विधायक बने थे जी, और माहिरा होम्स करके उनकी कंपनी थी जी, उसके खिलाफ कुछ शिकायतें थी और ईडी ने उस मामले की जांच की, कई बार उनके यहाँ छापे पड़े, उनका एक बेटा गिरफ्तार भी किया, और धर्म सिंह छोकर साहब और उनका एक बेटे वो गिरफ्तारी से बचे हुए थे। कांग्रेस ने उनको टिकट दी समालखा से, आरोप होने के बावजूद उनका ये मानना था कि ईडी या सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जीतने वाले उम्मीदवार हैं इसलिए हम तो टिकट देंगे, उनको टिकट दी। अब कोई इस तरह का फैसला बताते हैं कि उनको कहा गया या तो आत्मसमर्पण कर दें बुधवार तक वरना आपकी गिरफ्तारी होगी, तो उनके सामने विकल्प क्या हो सकते हैं? एक तो विकल्प ये है कि वो आत्मसमर्पण कर दें तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी। एक जनहित याचिका कहते हाई कोर्ट में दायर हुई थी और उसमें कहा गया था कि ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे जबकि वो सरेआम चुनाव प्रचार करते हुए घूम रहे जी। उनके सामने विकल्प ये है मेरे हिसाब से, या तो वो इस
फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं ताकि 2-4-5 दिन की मोहलत उनको मिल जाए मिल जाए। दूसरा ये हो सकता है कि वो आत्मसमर्पण करने के बजाय भूमिगत हो जाए, मतदान तक वो पुलिस की गिरफ्त से बचे रहे। मतदान होने के बाद अगर जीत जाते हैं, कांग्रेस सरकार आ जाती है, तो उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं। लेकिन ये जो मतदान में और आज के दिन में जो 4 दिन का अंतर है, उसमें वो मुझे लगता है कि बचने की कोशिश करेंगे ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन ना हो और वोट जो है वो कांग्रेस की हवा के मुताबिक उनको मिल जाए और वो चुनाव जीत जाए। उसके बाद जो होगा, कहीं सारा मामला जो है कोई राजनीति से प्रेरित मामला तो नहीं है? देखिए, कांग्रेस तो यही कहती है, लेकिन अभी पीछे कुछ उसकी गिरफ्तारी, उसके छापे पड़े थे, 44 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी राजधान सिंह, जो महेंद्रगढ़ से विधायक है जी। तो चुनाव के मौके पर छापेमारी और संपत्ति जब्त होने को भी कांग्रेस ने तो उसी नजर से देखा है कि सिर्फ हमारे विधायकों के या कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई होती है, भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसा मतलब ऐसा हो कि जिताऊ कैंडिडेट नजर आता हो तो उस पे वो यही माना गया। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब ने कहा है कि ईडी कानून के मुताबिक काम करती है, इस मामले में छापेमारी में या गिरफ्तारी में हमारी कोई भूमिका नहीं होती। स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो कुमारी शैलजा को सीएम पद का जो दावेदार है वो क्यों नहीं घोषित करते, उसका उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करते कि ये हरियाणा की सीएम हो सकती हैं, तो उसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है ये बयान के पीछे? देखिए, कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ा है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा है कि हमारी सरकार आई तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, कांग्रेस अभी नहीं चाहती। उनका कहना है कि अगर हम बहुमत में आते हैं और विधायक दल कोई फैसला करता है किसी के लिए तो पार्टी हाईकमान की मर्जी से उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन पिछले दिन एक प्रकरण हुआ, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कुमारी शैलजा नाराज हुई, भाजपा ने उनको अपनी पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण दिया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, कुछ नाराजगी व्यक्त की गई। तो भाजपा की मंशा ये थी कि जितना अनुसूचित जाति के मतदाता नाराज होंगे उतना ही कांग्रेस से दूर हटेंगे। तो शैलजा ने कह दिया मैं तो कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगी। बिल्कुल, तो वो बूमरैंग हो गया। भाजपा का जो एक गेम था दलित मतदाताओं को नाराज करने वाला, वो शांत हो गया वहां। बिल्कुल, अब स्मृति ईरानी जी जब हरियाणा के दौरे पर हैं, जाहिर है कि पार्टी के सभी नेता अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव बिल्कुल, तो फिर से उन्होंने दलित मतदाताओं को एक तरह से झकझोरने के लिए कि राहुल गांधी हरियाणा में आए और उन्होंने कुमारी शैलजा उनके साथ थी, उनके मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है भी उनकी, लेकिन राहुल गांधी जी ने उनका नाम घोषित नहीं किया। आपने वीडियो देखे होंगे, राहुल गांधी ने नारायणगढ़ की रैली में जी एक हाथ हुड्डा साहब का पकड़ा, दोनों के हाथ मिलवा के खुद पीछे हट गए। वो एक संदेश देने की कोशिश है पब्लिक में कि हम सब एकजुट हैं। और उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान ये माना है कि जो पोर्टल शुरू किए गए उनसे लोग परेशान हैं और हम इस तरह के पोर्टल बंद कर देंगे। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की देखिए चुनाव जीतने की कोशिश है और रण में, युद्ध में, प्यार में सब जायज है जी। तो चुनाव एक युद्ध है और युद्ध में कोई भी दाव पे लगाने से पीछे नहीं हटता। तो ये भी एक दाव है कि कुमारी शैलजा के समर्थक मतदाता, हाँ, कहीं ना कहीं जो वो थोड़े हाँ, मैं ये कहूंगा दलित मतदाता जो है या उनके समर्थक जो है, कहीं उनको भड़काने के लिए कोई इस तरह का ये बयान देना जो उनका, इसलिए तो नहीं है ये सब कुछ? इसीलिए जी 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 आप समझते हैं राजनीति जी जी। सो दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में नित नई उथल पुथल होती रही है, होती रहेगी, लेकिन 5 अक्टूबर को चुनाव है और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक मैं विनती करता हूं कि आप सब अपने मत का, अपनी वोट का, अपनी समझ के अनुसार इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। और आगे की सब खबरें देखने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। प्रवीण तक्षक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। राजेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया।